हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किसी भी ऐप पर आप लॉक लगाना चाहते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, किसी भी ऐप पर आप लॉक लगा पाओगे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करे। तो दोस्तों आप किसी भी आपके फोन के ऐप पर, जैसे मान लो आपका प्राइवेसी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, प्रोफाइल है, गैलरी है, ये सब पर आप ऐप लगाना चाहते हो आपकी, जैसे ये जो एंड्रॉइड फोन है इस ऐप पर आप ऐप पर लॉक लगाना चाहते हो, तो आप क्या करो, एक थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है आपके प्ले स्टोर में जाके। तो उसके बाहर ही आप जाके ये जो ऐप है ऐप पर आप लॉक लगा पाते हो। लेकिन दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको बताऊं, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की आपको डाउनलोड करने की फोन में जरूरत नहीं। आपके फोन के सेटिंग में ऐसा कमाल का एक सेटिंग छुपा हुआ है जिसके जरिए आप आपके ऐप पर लॉक लगा पाओगे बिना किसी ऐप को डाउनलोड। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो दोस्तों आप सही वीडियो पर, कोई भी दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लाइव टू लाइव दिखाऊंगा ऐप पर लॉक कैसे लगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे शुरू से आखिर तक, ताकि आपको भी जाके मालूम हो सके वीडियो में क्या बताऊंगा और क्या नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों आप सभी को फिर से स्वागत है, आप सभी को हमारे चैनल एप्स ज्ञान में। मैनिश तो बिना टाइम वेस्ट हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप भी चाहते हो किसी भी ऐप पर लॉक कैसे लगाए और बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और आपके फोन में ऐसा सेटिंग है जो छुपा हुआ सेटिंग है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरा तरीके बताऊंगा, आपके खुद के फोन से बिना किसी ऐप के डाउनलोड किए आप अपना फोन पर किसी भी ऐप पर लॉक लगा सकते हो, वो भी किसी भी ऐप पर। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से दोस्तों हम वीडियो का जैसे आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ने से पहले आपसे स्मॉल सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों आप जो हमारी वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले इसी खुशी में वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, ये देख सकते हो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, जरूर सब्सक्राइब कर देना है। साइड में घंटी का बेल है, आपको ऑल में जरूर दबा के रखना होगा। इसके नीचे जैसे पब्लिक कमेंट है, दोस्तों आपको भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ऐप लॉक, ऐप लॉक। तो दोस्तों ये कमेंट आपको जरूर कर देना, एक स्मॉल सा एक छोटा सा कमेंट कर देना ऐप लॉक। कमेंट कर देने के बाद कुछ इस तरह से कमेंट हो जाएगा और अभी हम बैक कर देंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको फ़ोन सेटिंग में चला जाना है। तो दोस्तों दोस्तों जैसे मैं अपना फ़ोन गैलरी ओपन करूँगा आ जाएगा दोस्तों लॉक, देख सकते हो जैसे लॉक आ गया, इसको अनलॉक कर दूंगा और ये अनलॉक हो जाएगा, और जितने भी फोटोज़ वगैरह इधर ओपन हो जाएगा। किसी भी ऐप पर जाऊँगा तो इसको मैं जैसे करूँगा ये अनलॉक हो जाएगा, सब कुछ इधर जैसे चला जाऊँगा अनलॉक कर पाऊँगा। और इस ऐप पर, इस कोई भी मेरे फ़ोन की ऐप पर लॉक मैंने कैसे लगा खुद के फ़ोन की सेटिंग में, तो फ़ोन सेटिंग में सबसे पहले मैं चला जाऊंगा, और चला जाने के बाद दोस्तों अभी कौन सा आपको सेटिंग इनेबल करना पड़ेगा, तो आपको दोस्तों इधर मिल जाएगा पासपोर्ट एंड बायोमेट्रिक, ये एक ऑप्शन मिल जाएगा आपके फ़ोन सेटिंग में, और ऊपर में सर्च का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर में सर्च भी कर सकते हो पासपोर्ट पासवर्ड। तो आप जैसे सर्च करेंगे दोस्तों पासपोर्ट करके, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पासपोर्ट, फ़ोन का पासपोर्ट शो होगा। आप थोड़ा वेट कर लेते हैं, इधर ये देख सकते हो पासपोर्ट। तो पासपोर्ट में हम जैसे टैप करेंगे दोस्तों, तो पासपोर्ट एंड बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ जाएगा, हम जैसे टैप करेंगे, और जैसे टैप करेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में ऐप लॉक। दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा ऐप लॉक। तो जैसे इस ऐप लॉक पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा सेट प्राइवेसी पासवर्ड एंड टू यूज ऐप लॉक। तो फिर सेट पासवर्ड, आपको सेट पासवर्ड क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको सिंबल ऐसे 1 2 3 4 5 6 आपको दिखाने के लिए मैं पासवर्ड यूज करूंगा, फिर से 1 2 3 4 5 6, और कर देने के बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर टीचर, तो कुछ भी आपको आपका टीचर का नाम लिख देना, या चौधरी में एक नाम दे देता हूँ सिंपल तरीके से, और डन वाला ऑप्शन में कर दूंगा डन। और डन कर देने के बाद दोस्तों आपके सारे जितने भी ऐप्स वगैरह इधर शो हो जाएगा, और जितने भी ऐप्स पर आप लॉक लगाना चाहते हो, तो मान लो आप कुछ भी ऐप पर लॉक लगाना चाहते हो, क्रोम ब्राउजर तो सिलेक्ट कर लेना, तो आपका जितना भी फ़ोन पर ऐप पर लॉक है सब कुछ ये देख सकते हो, फेसबुक आ जाएगा, तो जितना भी है इंटरनेट वगैरह जितने भी ऐप से आपका लॉक आ जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जितने भी आपका पर्सनल ऐप वगैरह है लॉक लगाना चाहते हो उसमें लॉक लगा लीजिए, और लॉक पे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है लॉक। और लॉक पे जैसे क्लिक करने है आपको बोलेगा यूज फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकॉग्निशन, तो आपको ये यूज कर देना है, फेस और फिंगरप्रिंट अगर आपके फोन में है तो इनेबल हो जाएगा। और जैसे आपको ओके कर देना, उधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो लॉक्स ओनली, तो आपको शो लॉक्स ओनली पे आप जैसे क्लिक करेंगे जितने भी ऐप पर आपने लॉक लगाया है आप देख सकते हो, तो आपके सामने शो हो जाएगा। और जैसे हम सिंपल तरह से मान लो इधर किस किस लॉक पर मैंने ऐप पर लॉक लगाया, अमेजोन, क्रोम ब्राउजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो बैक करेंगे अभी देख सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैंने लॉक लगाया, तो मैं इधर मेरे फिंगर से अनलॉक करूंगा, तो ये देख सकते हो दोस्तों ये अनलॉक हो जाए। तो जैसे मैंने बताया फेसबुक पर मैंने लॉक लगाया, फेसबुक को जैसे क्लिक करूंगा और यू वेरीफाई पासवर्ड, जब मैंने पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5 6,
इसको डालूंगा, मेरा फेसबुक है इनेबल हो जाएगा, और जितने भी लॉक पर ऐप पर मैंने लॉक लगाया कुछ इस तरीके से आप भी लगा पाओगे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैंने ऐप पर लॉक वगैरह लगाया, आप भी कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीका फॉलो करके आप ही अपने खुद के ऐप पर लॉक लगा पाओगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और ऐसे इंटरेस्टिंग जबरदस्त वीडियो दोस्तों हमारे चैनल में मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेगा अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।